नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश हाटी और इस वक्त हम बहुत ही एक अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज चर्चा होगी कृषि कानूनों के बारे में, जिसको लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला आ चुका है। जी हां, मोदी सरकार ने गुरु नानक जयंती के मौके पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। जो कृषि आंदोलन पिछले लगभग एक साल से चला आ रहा था, जो किसान थे ठंड में, गर्मी में, भारी बारिश में किसान आंदोलन कर रहे थे, अब उनको कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ सकती है। मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि जो तीनों कृषि कानून हैं, अब उनको सरकार वापस लेगी, तो जो किसान हैं अब वे अपने अपने घर जा सकते हैं और ये आंदोलन बंद कर सकते हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने ये जो फैसला लिया है ये किसानों के लिए लिया है, लेकिन मोदी जी ने इस पर यह भी बोला है कि जो मोदी सरकार है वो कुछ किसानों को, सभी किसानों को नहीं, कुछ किसानों को इन तीन कृषि कानूनों के फायदे गिनवाने और उनकी विशेषताएं बताने में असफल रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस बात पर भी काफी जोर दिया है कि जो दीप जैसे दीप से उजाला होता है, प्रकाश आता है और प्रकाश फैलता है, उसी तरह ये तीन कृषि कानून भी थे जो कि किसानों के लिए और उनके हित के लिए बनाए गए थे। इससे किसानों को काफ़ी फायदा मिलता। जैसे कि तीन कानून लेकर आई थी मोदी सरकार। सबसे पहला था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020। इसके अंतर्गत किसान अपनी जो उपज है वो कहीं भी बेच सकता था। दूसरे कृषि कानून में ये कहा गया था कि किसान जो है अपनी फसल की बुआई से पहले ही उसका दाम तय कर सकता है, चाहे आगे जाके किसी आपदा के चलते, विपदा के चलते उनकी फसल चाहे खराब क्यों ना हो जाए, तो किसानों को उतने ही दाम मिलेंगे जिस दाम में उसने पहले तय किया था, उससे कम नहीं मिलेगा। तीसरा एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट था जिसमें संशोधन किया गया था। तो ये जो तीन कृषि कानून थे सरकार किसानों के हित के लिए लेकर आई थी, लेकिन अब क्योंकि मोदी जी ने भी बोल दिया है कि कुछ किसानों को पूरी तरह से मोदी सरकार कानून के विशेषताएं समझाने में असफल रही है, तो ये वापस लिए जा रहे हैं। लेकिन जो कुछ विपक्षी पार्टियां हैं उनका ये भी कहना है कि फैसला तब लिया गया है जब चुनाव आने वाले हैं और मोदी सरकार के इस फैसले को, मोदी जी के इस फैसले को एक सियासी मुद्दा घोषित किया जा रहा है, एक सियासी मुद्दा बताया जा रहा है। और यहां तक मांग की जा रही है कि जब तक ये चीज रिटर्न में नहीं आ जाएगी तब तक किसान अभी भी आंदोलन से नहीं हटेंगे। तो इस पर और गहराई से जानने के लिए और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर किरण पाल सिंह जी। किरण पाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार जी, सभी को मेरा और आपके सुनने वालों को मेरा नमस्कार। नमस्कार किरण पाल जी। किरण पाल जी, मोदी सरकार का बड़ा फैसला आया है, मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, आपका इस पर क्या कहना है? जी ये देखिए सराहनीय फैसला है और जो निर्णय लिया है मोदी जी ने, बिल्कुल देखिए उन्होंने एक शब्द कहा है उसको बड़ा गहराई से समझने की जरूरत है जी। विपक्षी क्या कह रहे हैं और सत्ताधारी क्या कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, परंतु उन्होंने एक लाइन कहा है उसको बड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि हम किसानों के हित के लिए कानून लाए थे परंतु समझाने में असमर्थ रहे। ये बिल्कुल इसमें सत्यता है कि जो ये अभी भी देखिए, जब उन्होंने एक देश का राजा माफी मांग रहा है और ये कह रहा है कि जी हम अपने घर जाइए, आज भी उस पर राजनीति हो रही है। मैं भारतीय किसानों ने होने के नाते जो हम किसान संगठन चाह रहे थे वो हो गया, तो मेरे सामने यहाँ पे सभी को अब अपने अपने घर चले जाना चाहिए। मैं भारतीय किसान भानु पर राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण पाल सिंह ये कहना चाहता हूं कि आज के कल को और भी 10 ये राजनीति षड्यंत्र बन गया, राजनीति का एक मुद्दा अखाड़ा बन गया आगे के लिए कि हम हर कानून के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे को हम उठाते रहेंगे।
चाहे कल को, अभी सभी लोग कहेंगे आरक्षण वापस करो, कोई कहेगा SC ST आयोग भी खत्म करो, कोई कहेगा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का मैंने सुना है वो कह रही है कश्मीर के मुद्दे पर बात करेंगे। तो ये सब एक एक बहुत बड़ा और गलत निर्णय हो गया है। इसमें मेरे हिसाब से कानून में संशोधन की जरूरत थी, और वो संशोधन होता तो एक भारत सरकार की राज्य सरकार जो जो जिस जहां जहां विधेयक बिल पास हुआ उन सब की इज्जत रह जाती, किसानों की भी इज्जत रह जाती। जी किरणपाल जी, हम देखते हैं कि अगर कोई भी फैसला लिया जाता है, कोई भी निर्णय आता है, तो पहले उसका इंप्लीमेंट होने के बाद उसको प्रैक्टिकली देखा जाता है कि क्या ये प्रैक्टिकली सही जा भी रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जैसे ही मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून पास किए, पारित किए, उसके बाद इनका हंगामा, इनके विरुद्ध हंगामा मचना शुरू हो गया, इनको यूज में ही नहीं लाया गया और पहले से ही पहले हंगामा हो गया। आपको क्या लगता है, क्या अगर इन तीनों कृषि कानूनों को पहले देखा जाता कि क्या इनसे फायदा हो रहा है या नुकसान, और उसके बाद कुछ कार्रवाई की जाती तो ज्यादा सही रहता क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। मैं आपको बताता हूं, ये अगर हकीकत में देखा जाए तो पहले किसानों ने ही आंदोलन शुरू किया था ये, और किसानों ने ही इसको धरना प्रदर्शन शुरू किया था, किसानों ने ही शुरू किया था। परंतु कुछ समय चलते चलते जैसे 26 जनवरी को लाल किले पे हुआ, उसके बाद कितने हमारे पुलिस वाले शहीद हुए, कितने हमारे किसान शहीद हो गए, और ये राजनीतिक षड्यंत्र में फंस गया ये आंदोलन, और राजनीतिक प्रेरित हो गया, और जितने शहीद हुए किसान गरीब परिवार के और घर से हुए, परंतु उसमें कोई भी एक भी किसान नेता शहीद हो जाता तो मैं मान लेता कि ये किसान आंदोलन है। ये जीती जागती एक प्रक्रिया थी इनकी कि इन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र में आकर इन्होंने उन गरीब मजदूरों को बेचारों को भेंट चढ़ा दिया, जो एक भी किसान नेता नहीं शहीद हुआ। किसान नेता भी शहीद होना चाहिए था मेरे हिसाब से, और जितना भी साल साल छह छह महीने एक एक हफ्ते के लिए अपनी बहन बेटियों के जाने के लिए किसान में समय नहीं है, एक हफ्ते के लिए अपने घर में परिवार में कोई शादी ब्याह के लिए समय नहीं है, एक एक साल रहना, ये राजनीतिक षड्यंत्र, और इतना पैसा और इतना फंडिंग कहां से आई, ये भगवान मालिक है। अब सभी जानते हैं और सब मीडिया जानती है, सभी राजनीतिक लोग जानते हैं कि ऐसे आगे भी अब धरने प्रदर्शन इसी तरह हुआ करेंगे, कोई ना किसी में हाथ रखता रहेगा। जी किरणपाल जी, आपको क्या लगता है, अगर पहले ये जो तीनों कृषि कानून है अगर ये इम्प्लीमेंटेशन में आते और इनको जारी रखा जाता, तो क्या किसानों की जो राहें हैं और इनको जो फायदा मिलने वाला था उसकी दिशा कुछ और ही होती? देखिए, इसमें थोड़ी बहुत संशोधन की जरूरत थी। इसमें एक सबसे बड़ा गलत था ये था कि असीमित भंडारण में ये देश के लिए नुकसानदायक था, किसान के लिए नुकसानदायक था, उसमें सुधार की जरूरत थी। ये किसान कानून कहीं भी काले नहीं है, काले कानून करके लोगों ने इसका एक वो बना दिया, और वो काले कानून अब हर एक की जवाब पे रहे। पहले तो आप लोग हर व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति से टच में रहते हो, हर किसान व्यक्ति से टच में रहते हो, पर सच्चाई यह है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र में राजनीतिक में फंसी आंदोलन, और उसकी भेड़ चढ़ गया किसान का मामला। आगे पहले भी ये किसान यूनियन में महेंद्र सिंह टिकैत थे, उससे पहले इसी कानूनों की मांग हुआ करती थी, जिसको आज राकेश टिकैत ने जिसका विरोध किया है। राकेश टिकैत क्या राजनीतिक षड्यंत्र पूरा इसके साथ है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसमें संशोधन की जरूरत थी, किसान कानून वापस करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। जी किरणपाल सिंह जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह जी, इनसे भी वार्तालाप की जाए। विजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। जी 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 विजेंद्र सिंह जी, हाल ही में मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है, आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या कहना है, आप इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो तीनों कृषि कानूनों को वापसी लिया है, सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूं। जी दूसरा, मोदी जी प्रधानमंत्री जी से जब हमने धरना प्रदर्शन शुरू किया उसी समय कहा था कि ये तीनों कृषि कानून जो हैं ये किसान मजदूर के विरोधी हैं, इनको पहले ही लेना चाहिए था। आज जब चुनाव की बात आती है, अभी अभी
जो तीनों दोनों स्टेटों में जो चुनाव है ये तो चुनाव के मद्देनजर देखते हुए उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापसी लिया है जी। और अभी अभी जो डिबेट पे बोल रहे थे हमारे नरेंद्र जी, कह रहे थे कि किसान नहीं है वो राजनेता है और दूसरी पार्टियों का संरक्षण ले रखा है जी। मैं इस हिसाब से ये पूछना चाहता हूँ ये किसान और मजदूर मानते किसे हैं? सबसे पहली बात तो ये किसान और मजदूर ये किसको मानते हैं? इन्होंने कहा कि गरीबों को उन्होंने वो चढ़ा दिया, ऋण चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, क्या उनको कहीं मारा गया? किसानों धरना प्रदर्शन हुए उनमें उनको मारा गया, इधर से उधर हुआ, जो इतने सारे किसान मरे हैं उनके जिम्मेदार आखिर कौन होगा जी? मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, माननीय जी को उसी दिन फैसला लेना चाहिए था, बनाने वाले वो जब जनता तो चुन करके सांसद विधायकों को भेज देती है, वहां कमेटी बैठी है, वहां किसान मजदूर तो संसद में जा नहीं सकता है, वहां इनको बात हमने अपनी बात आवाज जो बुलंद की पटल से ही तो की, सड़क से ही तो आवाज उठाई, तो संसद में अंदर क्या हमको जाने दिया? वहां सांसद गए, वहां इन्होंने अपनी किसी ने हमारी बात को रखा नहीं। अब ये कहते हैं कि ये तो पार्टी के शरण चढ़ गए, हम किस पार्टी के शरण में थे? हम तो जो भी पार्टी सत्ता में रहती है सब पार्टियों के विरोधी रहते हैं जी। सबसे पहला था ये हमारा वो है, किसान यूनियन कोई भी हो, कोई सा भी संगठन हो, सब जो भी सत्ता परिवर्तन सत्ता में जो सरकार रहती है उसके विपक्ष में रहते हैं हम। सबसे पहला हमारा ये, हम किसान मजदूरों का काम करते हैं। इनको ये गलत फहमी है कि हम किसी पार्टी के संयंत्र में थे। एक इन्होंने अभी अभी एक बात और कही कि पैसा फंडिंग कहां से आया जी। हम इनसे पूछना चाहते हैं, देश का 80% किसान, जितनी भी बहुमूल्य चीजें जो पैदा हो रही हैं, ये क्या कृषि से ही तो हो रही हैं? ये जमीन से तो हो रही हैं? ये पैसा हमारे पास कहां से फंडिंग हुआ? विदेशों से फंडिंग हुआ हमारे पास? हमने अपने अनाज को, जमीन को, चंदा को उनसे पैसा फंडिंग किया, तब हमने अपना धरना प्रदर्शन एक वर्ष पूरे चलाया। क्या उसकी भरपाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसान मजदूरों के हित में कोई इन्होंने निर्णय लिया? अगर निर्णय लिया है विजेंद्र सिंह, इन्होंने आपने जो बात कही है कि लगभग 700 किसानों की जाने भी गई हैं, इस पर किरण पाल सिंह जी से जानना चाहेंगे कि किरण पाल सिंह जी का क्या कहना है। किरण पाल जी, विजेंद्र सिंह जी का कहना है कि कृषि प्रदर्शन के दौरान काफी ज्यादा किसानों की जाने भी गई हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? क्या ये फैसला पहले ही ले लिया जाता तो क्या ज्यादा फायदा रहता और जाने ना जाती? मैं देवेंद्र भाई की बातों को मैं काटूंगा नहीं। देवेंद्र भाई जो है अच्छे किसान नेता है, मुझे जानते नहीं जानते मुझे नहीं पता, परंतु मैं देवेंद्र भाई से ये कहना चाहूंगा कि मैं उसमें ये कहना चाहता हूं कि मैं भी किसान यूनियन से हूं देवेंद्र भाई साहब, और किसान यूनियन वास्तव में कभी भी राजनीतिक षड्यंत्र से नहीं चलती। जो ये मुद्दे में जो यहां बैठे हैं, ये जो वहां उसमें जो सिंधु बॉर्डर पर जो एक उसको मारा गया काटा गया, और जो वहां दुनिया भर के बलात्कार हुए, दारू की बोतलें मारण में आई, सभी आई, ये किसानों के काम है क्या? और सारे राजनीतिक लोग, देवेंद्र भाई सुनना ध्यान से, राजनीतिक लोग चाहे लोकदल के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे जो सत्ता में विपक्षी थे, सत्ता बनाने वाले हमारा आप है देवेंद्र जी, सत्ता से लड़ने का काम भी हमारा है, पंद रोटी सेकने के लिए ये सब राजनीतिक लोग आ रहे देवेंद्र पे, तो उसको आप क्या कहेंगे? जी विजेंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे ही मोदी सरकार ने फैसला लिया कि जी। अब ये जो तीनों कृषि कानून है वापस लिए जाएंगे जी। इस पर राकेश टिकैत जी का भी बयान आया है, उनका कहना है कि जब किसी की नौकरी लगती है तब उससे पहले उसको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है जी। उसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाती है। ठीक उसी प्रकार मोदी जी ने बोल तो दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे, लेकिन अब जब तक लिखित में नहीं आएगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या उनका कहना ये सही है? क्योंकि मोदी जी ने जब कहा था कि कृषि कानून आएंगे तो आ गए थे, अब कह रहे हैं वापस जाएंगे, तो क्या उनको उनकी बात माननी नहीं चाहिए? नहीं नहीं, देखिए हमारा जो बात है, आप सही कह रहे हैं कि जब ज्वाइन लेटर मिलता है, ज्वाइन लेटर देना तो एक आसान होता है,
हर चीज की प्रक्रिया है उसको देना, हम किसी चीज को किसी के हाथों में हैंडओवर कर रहे हैं बहुत वो आसानी से कर दिया जाता है, और जब उसको लेते हैं उसके में बहुत दुखदाई कुछ तत्व ऐसे आते हैं नहीं होता है जी। हम तब तक नहीं मानेंगे जब संसद में तीनों कानूनों को रद्द ना किया जाए, तब तक हम मान कैसे लें। कहने के लिए तो मैंने भी कह दिया ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो सरकार वो सत्ता में बैठी है उन्होंने तो जो करना, उन्होंने तो एक अल्टीमेटम में उस शब्द को नहीं प्रयोग करना चाहता मोदी जी के लिए मान्य जी के लिए कि जनता ने देश की ने सर्वोच्च इसलिए चुना था कि हमारे पास में कोई ऑप्शंस नहीं बचा था, जनता त्राही त्राही मचा रही थी, हम ये पूर्वोत्तर सरकारों की कोई वो नहीं कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं जनता ने हमने सर्वोपरि चुना, उन्होंने हमारे अनहित को देखते हुए हित में नहीं देखा, जब हमने उसको गाइडलाइन किया उनको पीछे हट जाना चाहिए था जी। विजेंद्र सिंह जी, जी क्या अभी तक उन किसानों के लिए कुछ किया गया है जिनकी जानें कृषि प्रदर्शन के दौरान गई थी, क्या उनको अभी तक किसी तरह की कोई सहायता प्रदान की गई है किसी भी पार्टी, किसी भी किसान नेता या फिर सरकार द्वारा, अभी तक क्या ऐसा कोई डिसीजंस भी रहा है, क्योंकि आप इससे ज्यादा जुड़े हुए हैं, आप इन चीजों को ज्यादा गहराई से जानते हैं। नहीं नहीं देखिए जुड़े हुए तो आप ज्यादा, देखो आप वहां बैठे हैं, हम एक जमीनी कीड़ा बोलते हैं, हमको हमारे लिए तो कहते मुट्ठी भर किसान, तो हम तो आपसे सदियों ये लगा लीजिए कईयों कोसों दूर बैठे हैं, ज्यादा तो आपको पता है, अगर टीवी नेटवर्किंग के उससे तो इन्होंने कोई घोषणा की नहीं है, और जहां तक बात आती है जो किसान मरे हैं, मुझको तो लगता है कि उनके वहां ये जाकर के जो बोलते हैं कि 12 होती है 13 होती है, उनके यहाँ अगर ये दरवाजे पे कोई राजनेता चला जाता, राजनीतिक पार्टी का जो सत्ता में बैठे हैं सत्ता के गलियारी को लगाए बैठे हैं गले से, अगर ये चले जाते तो हो सकता है उसकी माँ बहन उसकी औरत उसके बच्चे उसका ढाढ़स बना देते, तो मैं तो सर्वोपरि उसी को मानता, ये हमको क्या देंगे, हमने इनको दिया है किसान, कभी भी किसान को कोई नहीं देता, किसान तो दूसरे को देता है, किसान कभी झोली नहीं फैलाता, ये कोई नहीं गया है, इनको जाना चाहिए। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यही अब भी गुजारिश कर रहा हूँ, जितने भी किसान हमारे इस आंदोलन के तहत शहीद हुए हैं उनके परिवारजनों को कुछ भी ना हो तो कम से कम संवेदनाएं दे दें, उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, उनको नौकरी का कोई वो दे दें, सब उसी से भरपाया पूरा हो जाएगा, अन्यथा उनकी आत्माएं सब कोसेंगी सरकार को खाएंगी, सदियों से चला रहा है, कह देते हैं कि भुगतना तो पड़ेगा जो किया है हमने, जो हम कर रहे हैं उसका तो भुगतना पड़ेगा सरकार को जी। विजेंद्र सिंह जी यही सवाल ठाकुर गिरिपाल सिंह जी से जान लेते हैं, ठाकुर जी आपको क्या लगता है जिन किसानों की जाने गई है कृषि प्रदर्शन के दौरान उनका क्या है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या उनको किसी तरह की कोई सहायता प्रदान की गई है अभी तक? किरण पाल सिंह जी, जैसे कि हमने देखा भी कि कृषि आंदोलन के दौरान काफी किसानों की जाने गई, लेकिन जिन किसानों की जाने गई उनका क्या, उनके घर परिवार का क्या, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि मोदी जी के भाषण में भी जिन किसानों की जाने गई उसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है? मैं भी उन किसान परिवारों के साथ हूँ और संवेदना करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि किसान जो आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, परंतु मेरा ये भी कहना है कि ये अभी तो आपकी ये घोषणा हुई तीनों बिलों की वापस, और राकेश टिकैत में लिख के रख लो आप लोग इस मीडिया में कि राकेश टिकैत धरने से नहीं उठेंगे, वो उनकी नई नई मांगे रोज आती रहेंगी, चाहे देवेंद्र भाई कह रहे हैं, तो मैं समझ लो कि ये किसान धरने का किसान का धरना नहीं कर रहे राकेश जी तो अब जो है कोई नई नई लाते रहेंगे बातें, और जब तक धरने से नहीं उठेंगे जब तक इनकी हर नई बातें नहीं आती रहेगी, क्योंकि वो जाएंगे तो और बड़ी दिक्कत है, और लोग
होंगे और लोग जिन्होंने विधायक है वो इन्हें खाएंगे और जिन्होंने ये बैठे हैं ये इनका दूसरा षड्यंत्र है। ये किसानों की बात ही नहीं है, अभी तो किसान कानून की बात थी, अब एक ये आ गई, फिर एमएसपी आ जाएगी और भी हजारों ये किसान ये राकेश टिकैत जी के यहाँ से दुनिया भर की इच्छाएं आएंगी और अभी तो आपके यहाँ से कश्मीर को मुद्दा वापस करने की आएंगी, फिर एनआरसी की वापस आएगी, फिर 370 की आएंगी, ये सब बातें आती रहेंगी और ये धरना खत्म नहीं होने वाला है जी। किरण पाल सिंह जी, कुछ पार्टियों का ये भी कहना है, कुछ विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि मोदी जी ने इस दौरान ये फैसला लेकर सियासी मुद्दा और बढ़ा दिया है, क्योंकि ये फैसला तब लिया गया है जब चुनाव कुछ ही महीनों में आने वाले हैं। आपको ये कितना सही और कितना गलत लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति जब होती, राजनीति में सब लोग हैं ना, हम कभी कोई ऐसे राष्ट्र हित में कोई नुकसान करके राष्ट्र के हित में रहते हैं, राष्ट्र के हित में नहीं रहते। अभी जो 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 ये कर रहे हैं लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनका जो है क्या क्या एजेंडा है और क्या नहीं है। अभी देखिए, राजनीति में कहीं ना कहीं राजनीति लोग तो कहीं ना कहीं राजनीति करेंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई और पार्टियां हो, कांग्रेस हो, ये तो सब कहीं ना कहीं राजनीति षड्यंत्र है। और राजनीति भी जब कुछ करनी है तो कहीं ना कहीं रहती है उनकी नजरों में, तो ये दोनों बातें हो सकती है। परंतु जो निर्णय मोदी जी ने लिया है वो वास्तव में किसान हित और जो गरीब जो लोग इसके षड्यंत्र के शिकार होते हैं उनके लिए ये एक अच्छा उन्होंने वो किया है कि भाई हम लोग समझा नहीं पाए, इसलिए हम किसान कानून वापस लेते हैं जी। किरण पाल सिंह जी, जैसे आपने बताया कि जिन किसानों की जाने गई प्रोटेस्ट के दौरान, उनको भी कुछ ना कुछ सहायता दी जानी चाहिए, लेकिन वो सहायता देगा कौन, उसके लिए कौन क्या कर रहा है? बिल्कुल देनी चाहिए। दूसरा, मैं तो कहता हूँ जिन संगठनों ने जिनकी वजह से गई है किसान, उन परिवारों की, अभी हमारे देवेंद्र भाई बोल रहे थे, मैं कहता हूँ कोई नेता अगर उसमें शहीद हो जाता तो मैं समझ लेता कि वास्तव में ये किसान आंदोलन में शहीद कोई गरीब आदमी और मजदूरी क्या होता है, कोई नेता क्या होता है जो हाईनाट बनते हैं, ये क्यों नहीं आप कहीं शहीद होते, आदमियों क्यों मरवा देते हैं? हमने आज तक किसी, हमने भी आंदोलन किए हैं, हमने आज तक किसी को अपने लठ रहे, हमने भी अपने कार्यकर्ता हमने भी आज तक रिकॉर्ड हमारे संगठन का जी। अब चलते हैं विजेंद्र सिंह जी के पास, उनसे जानते हैं कि जो जाने गई हैं किसानों की, उनके लिए सहायता कौन कर रहा है और कब तक उनको सहायता प्रदान की जा सकती है, क्योंकि जो किसान है वो अन्नदाता होता है पूरे देश का, पूरी दुनिया का, जो किसी से ना लेके उल्टा देता ही है। विजेंद्र सिंह जी, जी आपसे जानना चाहेंगे, जिन किसानों की जाने गई हैं उनके लिए कौन क्या कर रहा है, किस तरह की सहायता प्रदान की गई है अब तक और आगे क्या रहेगा? देखिए, उनके लिए कोई अभी सहायता प्रदान किसी ने नहीं की, खाली पंजाब गवर्नमेंट ने थोड़ा एक आश्वासन दिया है और वो कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जितने जो भी किसान हमारे इस धरना प्रदर्शन में शहीद हुए हैं उनको लाभ देना चाहिए, उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और इसी बीच में अपने भाई का भी भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि किसान नेता कोई शहीद नहीं हुआ। मैं उसका एक जवाब देना चाहता हूं, नेता जो होते हैं, जो रतालटी जो होती है सत्ता के गलियारों में जो घूमती हैं, नेता पीछे होता है और जवाने आगे होते हैं, उसमें तो शहादत जो जाती है हमारे जवानों की जाती है। और किसान के धरना प्रदर्शन में किसान आगे होता है, ये नेता पीछे होते हैं। सबसे पहली बात तो हमारे भाई यही समझ ले कि हमारा कोई नेता नहीं होता है और नहीं कोई हम नेता, हम तो किसान मजदूर सभी, नहीं हमारी कोई जाति होती है, नहीं कोई हमारा धर्म पर धर्म होता है, जो कृषि से जुड़ा होता है वो किसान होता है। हमारा बस यही थोड़ा वो है, हम किसान जो हमारा खुरपी लेकर के, दराती लेकर के जो काम कर रहा है वही किसान, वही मजदूर। हमारे भाई कह रहे हैं कि किसान नेता शहीद हो जाते, ये हो जाते, क्या वो किसान नेता शहीद नहीं हुए? वो हमारे हमसे ऊपर ज्यादा थे कि जो शहीद हुए हैं। मैं उनकी आत्मा को बार बार वो खखोल रहा हूँ, कह रहा हूँ, क्या क्या सांत्वना दूं, क्या संवेदना व्यक्त करूं उनके प्रति,
में रच गए, ये कैसे वो ये कर दिया। और जहां तक आती है टिकैत जी की बात, ये खाली टिकैत जी का नहीं है, टिकैत जी तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये एक संयुक्त किसान मोर्चा के तहत धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम तो ये कह रहे हैं, हमने तो उस दिन भी कहा था, पहले जिस दिन धरना प्रदर्शन हुए थे, हमने माननीय मंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से, तोमर जी से बात हुई थी डिबेट में, हमने ये कहा था हम गलत हैं, आप सही हैं, हमारी एमएसपी को मजबूत कर दीजिए और एमएसपी मजबूत हो जाए, एमएसपी के ऊपर कानून बना दीजिए। हम तो आज भी ये कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से बार बार गुजारिश कर रहे हैं, चलो आपने तीनों कृषि कानून वापसी ले लिए, बहुत अच्छा, आपको धन्यवाद देना चाहती है जनता भारत की। एमएसपी पर कानून बनाइए और कानून बना करके उसको पटल पर उतार दीजिए, आपको पावर है, संसद में बैठिए, एमएसपी पर इतना टाइट कानून बनाइए किसान खुद समझ जाएगा कि हाँ मेरी फसल बिक रही है। खेत से खलियान से जब फसल ले जाके मंडी में डाल देता है किसान, दूर बैठ जाता है, व्यापारी उसका रेट करता है। एक अब यहां से चलते हैं वाला किरण जी, कोई किरण पाल जी के पास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो किरण पाल सिंह जी से सवाल पूछना चाह रहे हैं। आपको पता नहीं है नरेंद्र, हम जब अगर कृषि मंत्री तोमर साहब से मिले या हम राजा सिंह से मिले या हम योगी आदित्यनाथ से मिले, जिनकी सत्ता है भाई साहब, उनसे मिलना है ना, उनसे लड़ना है हमें, और लड़ना था हमें सोनिया गांधी से मिलना था आपके हिसाब से, या हमें अखिलेश यादव से मिलना था यूपी में आपके हिसाब से, हमें किससे मिलना चाहिए था। और हमारा आंदोलन 27-27 तारीख को खत्म हुआ, 27 तारीख को जब राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ की है, जो 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 भ्रष्ट लोग हैं उन्होंने, और जिन्होंने वहां झंडे के राष्ट्रीय ध्वज के साथ लाल किले पर जो छेड़छाड़ की, हमने जब हमारा हटाए ना कि हमारा आंदोलन, आपको पता हो तो उससे नरेंद्र तोमर जी से या कृषि मंत्री से या XYZ जिससे बात करने से हटाओ, या आपको पता नहीं है फिर इसका आंदोलन। किरण पाल सिंह जी, मेरा क्वेश्चन है, हमारी आपके अध्यक्ष से भी बात हुई थी अपने चैनल पर भानु प्रताप सिंह जी से, तो उन्होंने बोला गया था चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमारी पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी, किसानों के साथ खड़ी है, जब तक किसान बिल वापस नहीं होगा तब तक हम अड़े रहेंगे। और जब किसानों की शहादत हुई आप उस पर वो कर रहे हो कि किसान नहीं है वो मजदूर है, इस चीज से किसानों को बहुत धक्का लगेगा ना, आपकी पार्टियों में गुट बन गए हैं। मेरी समझ में नहीं है, ऐसे मैंने क्या बोला है, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि और कहां से हम पीछे हटे, हम किसानों के साथ आज भी है, गरीबों के साथ आज भी है, हम राजेंद्र सिलेंडर में ना पहले थे ना है, अभी आगे रहेंगे भी नहीं रहेंगे। किरण पाल सिंह जी, मेरा अगला सवाल होगा आपसे, जब ये बताइए आप, अभी मैं सुन रहा था आपकी बातें, तो आपने बोला था किसानों के पास फंडिंग का, ये खर्चे का, ये सब कुछ करने का पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या किसानों के पास पैसा नहीं है? और राकेश टिकैत जी आज भी आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, ये लिख के रख लो आप, चाहे कोई भी काम से, मैं बताऊंगा आपको 4 दिन बाद। और हेलो विजेंद्र जी, जी हमारे किरणपाल सिंह भानु गुप्त से किसान यूनियन के वो उपाध्यक्ष हैं जी, उनका कहना था कि जो ये आंदोलन हो रहा है ये गलत है, ये सरकार ने सब कुछ कर दिया है, ये बिल वापस हो गए, लेकिन किसान सरकार ने किसानों के लिए बहुत अच्छा किया था जी, तो इनका कहना ये है, तो आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में? देखिए मैं किरण पाल जी भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, जब हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था जी, जितने भी राजनेता हैं उसको जनता ही तो चुनती है, संसद के लिए चुने या विधानसभा के लिए चुने जी, हमारा उस समय मिलना क्या उनसे उचित था? अभी हमारे भाई कह रहे थे हम राजनाथ जी से मिले, क्या राजनाथ जी हमारे सर्वोपरि नहीं है? हम भी तो मिल सकते थे उनसे, हम बाद में नहीं मिले उनसे। जब ये नरेंद्र सिंह तोमर से इनकी मीटिंग चल रही थी उस टाइम ये भानु अध्यक्ष जो है कहा भानु प्रताप सिंह अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने तब भी नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ये बोला गया था कि बिल अच्छा है और वो अपना आंदोलन नोएडा बॉर्डर से खत्म कर रहे हैं। जी जी देखिए ये इनका क्या बिल वापस हो गया है, हाँ। तो वो ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ। बिल अच्छा हुआ है, लेकिन ये जो भी ये पार्टी राजनीति कर रहे थे, टिकैत जी राजनीति कर रहे हैं जी। देखो ये वो ये तो उस वाली बात हो रही है कि धींग धींग बल्ली के का राज हो रहा है, उस समय तो कह रहे थे कि तीनों कृषि कानून अच्छे हैं और अब कह रहे हैं कि अच्छा किया, ये क्या संभव हो सकता है? एक मान में क्या 2 तलवारें रखी जा सकती हैं? ये सब चुनावी प्रोपेगंडा है इनका, ये चुनाव के लिए, ये तो एक राजनीति में चले गए,
भानु प्रताप जी राजनीति का गलियारों में चले गए, इनको किसान नेता मानने का तो अधिकार ही नहीं है, इनको तो रहना ही नहीं चाहिए, इनको तो कहना ही नहीं चाहिए कि मैं किसान हूँ। जो सारे षड्यंत्र से चल रहे हैं, सारे फंडिंग से चल रहे हैं, वो एक किसान नेता और कोई नहीं है। केवल आपकी नजरों में किसान नेता एक है पूरे हिंदुस्तान में, केवल राकेश टिकैत, और कोई आपकी नजरों में किसान नेता नहीं है। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप। मकाना में रास्ते में ही मतलब जो सत्ताधारी है उससे मांगने उससे 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 ही मांगा जाता है और उससे लिया जाता है। आप मांगने जाए सोनिया गांधी से, आप मांग रहे हो किसी से, आप मांग रहे हो किसी से, मत मांगे सत्ता से, मत मांगे रब। आपके आपकी नजरों में केवल केवल राष्ट्रीय राकेश टिकैत किसान नेता है और हिंदुस्तानी किसान नेता है ही नहीं आपके साथ। किसान मोर्चा के तहत धरना चल रहा है, वो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, संयुक्त किसान मोर्चा, आप भी थे उस संयुक्त में, आपने उसको बीच में कड़ी को तोड़ा क्यों, आपने उस चेन को तोड़ा क्यों, आखिर तोड़ भी दिया तो आप उस समय राजनीतिक गलियारे में गए क्यों? जनता देख नहीं रही है, किसान जानता नहीं है कि आप जाकर के उनसे मिलो, मंत्री जी से मिलो और उनसे मिलो। लोकदल के साथ रहते तो राजनीतिक गलियारा नहीं, वो उसके साथ और सपा और क्या नाम है केजरीवाल की टीम बैठे तो राजनीतिक गलियारा नहीं, कांग्रेस के लोग बैठे तो राजनीतिक गलियारा नहीं, और कोई संगठन के लोग बैठे राजनीतिक दल बैठे वो राजनीतिक गलियारा नहीं। अगर हम नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री से मिल लिए तो राजनीतिक गलियारा हो गया, हम लोग राजनाथ सिंह से मिल लिए तो राजनीतिक गलियारा हो गया, हम योगी आदित्यनाथ जी से मिल लिए तो राजनीतिक गलियारा होगा। अरे भाई सत्ताधारी जिससे उससे तो मिलेंगे उन्हीं से तो मांगेंगे, हम किसानों की गठन की मांग कर रहे हैं आज भी और करते रहेंगे एंड तक, परंतु हम कहीं कोई कोई राष्ट्र नुकसान नहीं करेंगे, किसी को जान नहीं देने देंगे, किसी को न किसी की जान देंगे। जो पुरुषकर्मी शहीद हुए उनके बारे में आपने एक बार भी शब्द नहीं निकाला है कि वो पुरुषकर्मी भी किसानों के बच्चे थे, उस समय मिलना गलत था, बाद में मिली। किरणपाल सिंह जी, किरणपाल सिंह जी, अब मेरा सवाल ये है कि अगर जो बिल वापस हुआ है, इधर राकेश टिकैत ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हमें लिखित में नहीं मिलेगा कि कृषि कानून वापस हो गया तब तक हम अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे, चालू रहेगा तब तक हमारा आंदोलन। ये भाई साहब मानवेंद्र जी बोल रहे हैं, इनसे पूछिए क्वेश्चन तो, राकेश टिकैत जब तक वो उनकी जो जहां से पीछे से कमर पे हाथ रखा हुआ है, जब तक उनकी इच्छाएं पूरी होंगी, जब तक वो नई नई रोज कानून रोज यहां मांग लाते रहेंगे, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने उनकी बात को मान लिया है और वो जाना नहीं चाहते। ये तो भाई साहब मानवेंद्र जी बता रहे तो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। तो जी मेरा सवाल है कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब जब तक हमें लिखित में नहीं मिल जाएगा तब तक हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, हमारा आंदोलन चालू रहेगा। जी ठीक, एक सवाल ये, दूसरा सवाल मेरा ये, क्या इसको आप राजनीति मुद्दा देखते हुए कर रहे हो? जैसे वो मोदी जी ने अभी कुछ टाइम पहले पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी घट वो पैसे गिराए थे, उसके बाद अब उन्होंने तुरंत बिल वापस ले लिया है। मोदी जी कहना चाह रहे हैं कि मैंने जो हमने जो गलती करी, हमारी पार्टी ने जो गलती करी है, हम उसके लिए पूरी देश की जनता से किसानों से क्षमा मांगते हैं। जी 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 देखिए, जी जी देखिए, ये मैं बिल्कुल फिर वही बात लौट के आती है, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने वापसी ले लिया, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ सब आपसे, ये एक वर्ष पूरा होने जा रहा है जी। जनता जानती है, सब जान रहे हैं, जब चुनाव ऊपर खड़ा है, सिर पर चुनाव आ रहा है, चुनाव की नजर से देख रहे हैं, मोदी जी के इसको चुनाव की नजर से देख के कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब चुनाव की नजर से देखा जा रहा है। अभी इतना रेट बढ़ा करके अब 10 रुपए 5 रुपए जो पेट्रोल डीजल कम कर दिए गए, जनता चिल्ला रही है, 5 साल से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं कि डीजल पेट्रोल पे दाम घटाइए, महंगाई घटाइए, ये इसी समय क्यों घटाया? हम तो ये कहते इस समय और बढ़ाते, अगर कृषि कानून वाली बात थी जो वापसी लेने की, इसको और 2 महीने 3 महीने और रहने देते, बाद में हटा लेते, चुनाव हो जाता उसके बाद कह देते भाई हमने खत्म कर दिया, और जब अब खत्म कर दिया तो उसको संसद में पेश करके उसको जो भी 1 महीने 2 महीने में जो समय लगेगा उसको खत्म कर दीजिए। इनको समय कहाँ लगता है, इनको तो संसद बुलाइए और बैठक कराइए, उसको खत्म कर दीजिए, हम वहां से उठ जाएंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि शीतकालीन का चलेगा, 29 नवंबर से शुरू है आपका, तभी ये सब कुछ हम संसद में पारित करेंगे। देखिए जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने जो कहा था कि तीनों कृषि कानून ले आए और वापसी के चाह रहे हैं, उंगली पकड़ के पोछा पकड़ा है, अब ये जो चाहे वो रगड़वा ले प्रधानमंत्री को, ये मोदी जी को नहीं, ये देश के भारत के प्रधानमंत्री को,
जिन्होंने इतनी भी बात मान ली है, इन्हें ये नहीं है कि एक पहली बार भारत में किसी भी प्रधानमंत्री ने इस तरह से अपने उन लोगों से माफी मांगी और उसको वापस किया है जो गलत था, जो ये गलत षड्यंत्र में फंस के लोग कर रहे थे। और फिर भी लोग जो है अभी भी इनकी, मैं आपको लिख के रहता हूं, ये राजनीतिक आंदोलन है, ये नहीं हटेगा। जी ये शब्द आप गलत कह रहे हैं, इसको वापसी लीजिए। उन लोगों का मतलब किसान लोगों से, किसान मजदूरों से क्या कर दिया? टिकैत जी के ऊपर मत जाइए। आप कितने उनके टच में मुझे नहीं पता, पर राकेश टिकैत नहीं हटेंगे। आप लिख के रख लो कृपाल की बात। ये टिकैत जी हो रहे, किसान संयुक्त किसान मोर्चा के तहत धरना चल रहा है, और संयुक्त किसान मोर्चा की आवाज उठाने के लिए तो एक ही होता है, संसद में 470 सीटें हैं, सभी से बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी को नियुक्त कर दिया, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। भाई को यही समझ नहीं आ रही है, संयुक्त किसान मोर्चा के तहत बात स्टेज पर टिकैत जी रख रहे हैं, सभी की ये राय है कि इसको संसद में वापसी लिया जाए, MSP पर 3 कानून टाइट बना करके उसको पटल पर लाया जाए, धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। भाई साहब आप रख लो, मुझे नहीं पता आप उनके अंदर की कितनी भावना में बोल रहे हो, पर मैं बोल रहा हूँ राकेश टिकैत जी की भावना का, वो नहीं हटेंगे और उनकी नई नई मांगे आती रहेंगी, चाहे वो कुछ भी करते रहे, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री से माफी मंगवा लिया, कानून वापस करा लिए, अब उनका माहौल बढ़ गया है और वो जो है नई नई बातें और लाते रहेंगे। तो काफी गर्मी गर्मे वाला माहौल देखने को मिला। किसी का कहना है कि सियासी मुद्दा है, किन्हीं का कहना है कि इन्होंने आदरणीय स्वागत की तरह इसको स्वागत किया है, काफ़ी आदरणीय सहारा है इस मोदी जी के इस फैसले को। दोनों की इस डिबेट को मैं दोनों को जुड़ने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, विजेंद्र सिंह जी का भी और ठाकुर किरण पाल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपने कीमती समय हमारे साथ साझा करा। तो कोई बता रहा है सियासी मुद्दा, कोई बता रहा है कि अभी ये जो तीनों कृषि कानून है वो वापस लिए गए हैं, काफ़ी अच्छा फैसला है। अगर अच्छा फैसला है तो फिर देखा जाने वाली बात ये होगी कि अब ये जो लिखित में है कब तक आ जाएगा, क्योंकि अब जो सियासी मुद्दे पर बात चल रही है वो इसी पर चल रही है जब कि उस लिखित में कब आएगा, रिटर्न में कब आएगा। और जो राकेश टिकैत जी हैं उनका यही कहना है कि जब तक रिटर्न में नहीं आएगा तब तक ये जो किसान आंदोलन है जारी रहेगा। तब देखने वाली बात ये होगी कि रिटर्न में कब तक देखने को मिलता है। ये फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।